हमें भी बहुत बच के बोलना पड़ रहा है, बोरियो वालों गलत मत समझना, देख रहे हो ना इंडिया टीवी वाला हाथ धोकर नहीं नहा धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कैसे कैसे डायलॉग दिखा रहा है, वो कटिंग कर करके दिखा रहा है। मैं समझता था कि थोड़ी बहुत इंसानियत होगी, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा चमचा निकला, बहुत बड़ा चमचा। और अक्सर लोग ऐसे ही अब हो गए हैं, और ये आम मीडिया वालों की तरफ इशारा कर रहा हूँ, पैसों के लालच में बॉस से पैसा मिल रहा, बॉस मैं बॉस कह दिया हूँ, आप अकलमंद हैं समझ गए हो, बॉस से पैसा मिल रहा, और इस बॉस से पैसा मिलने के लालच में इस हद तक गिर गए कि यकीन मानिए कि ये अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत व आबरू तक बेच देंगे। ये सूरत हाल है आज, ये सूरत हाल हमारे मुल्क को कहाँ ले जाया जा रहा है। बार बार मैं बोल रहा हूँ हमारा मुल्क, अय अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, ये नहीं दिखेगा इंडिया टीवी वाले को, ये दिखेगा ही नहीं, अंधा हो जाएगा इस वक्त, सूरदास बन जाएगा। उसको क्या दिखेगा, जब तुम हमें इस देश से निकालोगे, धक्के मार मार के भगाओगे, हमें इस देश का नागरिक नहीं समझोगे, तो हमारी शरीयत हमें आखिरी रास्ता भी बताती है, मारो या मरो, इसको यही दिखाई देगा। मौलाना जर्जीस ने कहा मारो या मरो, मौलाना जर्जीस कह रहे मारो या मरो, जिहाद जिहाद जिहाद, ये दिखाई देगा। अब यहां उसकी आंखें पहाड़ बन जाएंगी, बहुत मोटा मोटा दिखाई देगा। देशभक्ति के ऊपर जो हम बोल रहे हैं वो नहीं दिखाई देगा, महात्मा गांधी का कौल नहीं दिखाई देगा, महात्मा गांधी ने इस देश के लिए क्या सपना देखा था वो हम बोल रहे हैं वो नहीं दिखाई देगा। इस्लाम ने इंसानियत के जानो माल की हिफाजत की कितनी जिम्मेदारी ली वो नहीं दिखाई देगा। कुरान एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल कह रहा वो नहीं दिखाई देगा। क्यों, अगर ये सब दिखाई दिया और बोलने लगा और दिखाने लगा तब तो इस्लाम का प्रचार होगा, दुनिया कहेगी इतना अच्छा इस्लाम, इतना अच्छा इस्लाम, इतना अच्छा है कुरान, ये नहीं दिखाई देगा उसे। भरे मजमे में कह रहा हूं, सारे चैनल वाले यहां मौजूद हैं, चार बार मेरा इंटरव्यू लेके गया है इंडिया टीवी वाला, चार मर्तबा, चार बार, और चार बार हमने इस देश के लिए जो इंटरव्यू दिया एक भी नहीं दिखाया मेरा। वो तो इंटरव्यू लेके कुछ बातें पकड़ने आया था, जो बातें पकड़ में आ जाए उसको दिखाएं, लेकिन कुछ पकड़ नहीं पाया तो दिखाया भी नहीं, बस वही कलिया चक्की तकरीर दिखा रहा है मालदा वाली, जीते तो वतन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक। क्या गलत कहा मैंने, क्यों उकसा रहे हो, क्यों भड़का रहे हो, ये बताओ कि अगर इस मामले में हम जीते तो वतन मुबारक तो हम देश ही की तो बात कर रहे हैं, और हारे तो कफन मुबारक, इस देश के ही लिए तो हम अपनी जान दे रहे हैं, अब देश के लिए जान देना भी तुम्हें भड़काऊ लग रहा है, देश के लिए हमारा मरना मिटना भी तुम्हें गवारा नहीं हो रहा है, हम कब पीछे रहे इस देश की कुर्बानी, इस देश के लिए कुर्बानी देने में, मुझे बताओ कब पीछे रहे। इंडिया गेट पे चले जाओ, वर्ल्ड वार में शहीद होने वाले लोगों की लिस्ट आज भी मौजूद है, आज भी 95,000 से ज्यादा लोगों के नाम लिखे हुए हैं, उनमें 61,395 सिर्फ मुसलमानों के नाम हैं, सिर्फ मुसलमानों के नाम। कब हम पीछे रहे इस देश के लिए अपनी कुर्बानी देने में, कब पीछे रहे। मैं दोनों को ललकारते हुए कहता हूं जो इस देश के जिम्मेदार बने हैं, बल्कि यूपी का भी जोड़ लो उसमें, तीनों को, आओ इस देश की धरती को निचोड़ो, इस भारत की जमीन को निचोड़ो। मैं अपने रब की इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूं, भारत की जमीन को निचोड़ोगे, इस धरती को निचोड़ोगे, तो इसमें सबसे ज्यादा मुसलमानों के खून के कतरे जमीन पर टपकेंगे, जिनके खून का एक एक कतरा भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता हुआ, सदा देता हुआ निकलेगा।
आज भी इस जमीन की मिट्टी में हम मुसलमानों का लहू शामिल है इस देश की आज़ादी में। तुम हमें इस देश से निकालने का सपना देख रहे हो, इंशाअल्लाह कयामत की सुबह तक कभी पूरा नहीं होगा। और ज़ोर से कहो इंशाअल्लाह।